हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फूडी ढाबा चैनल। मेरा नाम स्तुति है और मैं आ गई हूँ एक नई सी रेसिपी लेकर जिसका नाम होममेड कुल्फी है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई है, जो कि आप भी इजी वे में बना सकते हो और आपके घरों में भी ये इंग्रेडिएंट्स आप आसानी से मिल जाएंगे जिनसे मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह पे बफेलो मिल्क भी ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंने केक बनाया है, कुकीज बनाई है, तो मैं उसकी लिंक आई बटन पे डाल दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे दूध को मैंने यहाँ पे भगोने में डाल दिया है, इसको गैस की फ्लेम पे मैंने चढ़ा दिया है और इसको हाई फ्लेम पर 1 उबाल आने तक अच्छे से उबालना है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो, दूध में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है, तो मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दी और क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए तो मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। ऑन दी अदर हैंड, शुगर को कैरमलाइज होने के लिए मैंने एक पैन लिया है और मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है, उसको कैरमलाइज होने के लिए छोड़ दिया है। इसको थोड़ा सा जब शुगर जो है डिजोल्व होना शुरू हो जाए, यानी मेल्ट होना शुरू हो जाए, तब इसमें हम स्पैटुला टच करेंगे। पूरा मेल्ट यानी लिक्विड फॉर्म तक वेट नहीं करना है, अदरवाइज कैरमलाइज शुगर जो बिटर टेस्ट देगा। तो जब हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो गया तभी मैंने यहाँ पे स्पैटुला से मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से लिक्विड फॉर्म तक पकाना है और फ्लेम जो हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए तब तक इसको हम पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, हमारा शुगर जो अच्छे से मेल्ट हो गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम दूध में अच्छे से मिलाएंगे। तो दूध में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लेम को या तो लो या फिर बंद करके रखना है, क्योंकि मिलाते समय दूध क्योंकि गर्म है, बबल्स आएंगे और छींटे पड़ेंगे जिससे आपको चोट लग सकती है, कब केयर करना। तो यहाँ पे हमने दूध में मिक्स कर दिया कैरमलाइज शुगर और इसको अच्छे से, तो हमने यहाँ पे शुगर को मिक्स कर दिया है और फ्लेम को लो करके पकाने के लिए छोड़ दिया। दूध हमारा गाढ़ा हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप दूध लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर ले लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा टेस्ट अच्छा आए जिसके लिए मैंने यहाँ पे रसमलाई एसेंस डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे केवड़ा वाटर डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ हरी इलायची को कूट करके मिक्स कर दिया है और कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसको मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर अच्छे से डिजोल्व हो जाए दूध में, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो हमारा मिक्सर रेडी हो गया कॉर्नफ्लोर का और दूध भी हमारा हल्का कम हो गया है, तो हमारा जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सर है उसको लो फ्लेम पर दूध में मिक्स करेंगे और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे, जिसकी वजह से गुठलियां नहीं बनेंगी। हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, जब दूध में अच्छे से डिजोल्व हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और गाइस, मेरे पास मलाई नहीं था तो रिच फ्लेवर आने के लिए मैंने यहाँ पे चॉप्ड बादाम और काजू मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, जिससे कि फ्लेवर जो है रिच हो जाए। मेरे पास मलाई नहीं था, अगर आपके पास मलाई यानी 2-3-4 दिन का मलाई आपने इकट्ठा कर रखा हो तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो आप क्रीम भी मिला सकते हो जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल हो। मेरे पास फिलहाल नहीं था तो मैंने यहाँ पे ड्राई नट्स डाल दिया है और इसको गैस पर 1/2 यानी कि गाढ़ा होने तक पकाया था और जब वो गाढ़ा हो गया उसको मैंने ठंडा होने को छोड़ दिया है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारा मिक्सचर जो बिल्कुल गाढ़ा भी हो गया और ठंडा भी हो गया। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में चर्न करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, यानी कि ब्लेंड करेंगे। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुल्फी के मिक्सर को ब्लेंड कर लिया और काफी गाढ़ी आई है, काफी मलाईदार लग रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमारा कुल्फी का मिक्सर ऐसा ही होना चाहिए। तो अब इसको हम सेट होने के लिए, मेरे पास कुल्फी के मोल्ड थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कुल्फी के मोल्ड में कुल्फी के मिक्सर को और इसको ओवरनाइट यानी कि मिनिमम 7-8 आवर्स और ओवरनाइट आप इसको सेट होने के लिए डीप फ्रीजर में रखोगे। तो आपको ऐसे ही नहीं रखना, पहले मैंने सारे मोल्ड्स पे मैंने मिक्सर कुल्फी के डाल दिए और ऊपर से मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल से कवर अप कर दिया। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो आप क्लीन जिराब को भी कट करके कवर करके रख सकते हो। और मैंने यहाँ पे छोटा सा छीरा लगा दिया चाकू से और मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स जो आते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। तो ऐसे ही सारे मोल्ड्स में मैंने यहाँ पे कवर करके एल्युमिनियम फॉइल से छीरा लगा के इंसर्ट करके रख दिया है।
थोड़ा सा मेरे पास कुल्फी का मिक्सर बच गया था, मेरे पास मिट्टी के का एक कटोरा छोटा सा था, उसमें मैंने कुल्फी के मिक्सर को डाल दिया और उसको भी मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया था। उसको भी मैं साथ में फ्रिज के डीप फ्रीजर यानी कि फ्रीजर सेक्शन में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। रात भर मैंने सेट होने के लिए रख दिया और अब इसको हम सर्व करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो हमारा कुल्फी जम गया, तो मैंने यहाँ पे पानी जो रूम टेम्परेचर पे है उस पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिप किया और रोल किया, जिससे कि आइसक्रीम को निकालने में इजी हो। और आप देख रहे हो हमारा आइसक्रीम इजी वे में डिमोल्ड हो रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये जमा है, कितनी अच्छी ये बनी है हमारी कुल्फी। बहुत ही इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई है। अब देख सकते हो हमारा कटोरे वाला भी हमारा अच्छा सा जम गया है। तो चलिए इसको सजाते हैं जो कि आंखों से भी खाए जाए। और इसको मैंने यहाँ पे डिमोल्ड कर दिया है। मैंने कुछ मेरे पास ड्राई नट्स जैसे कि पिस्ता और बादाम थे, तो उससे मैंने इसको सजा दिया। और पिछली वीडियो में मैंने कुल्फी केक बनाया था, तो उसके लिए मेरे पास थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स थे, उससे भी मैंने इसको सजा दिया है। तो आप देख सकते हो कुल्फी कितनी अच्छी बनी है और काफी टेस्टी बनी थी। आप भी ऐसे ही वीडियो को बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करना और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना। आप देख सकते हो इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनी है, बहुत ही अच्छी जमी है। तो आप इसके आप कॉर्न स्टार्च की जगह पे आप मैदा भी डाल सकते हो या फिर आप इसके उसके जगह पे गेहूं का आटा डाल सकते हो। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी बनी है, कितनी यमी बनी है। मेरे जो घर में मेहमान आए थे उन्होंने काफी तारीफ करी, मैंने बच्चों में भी खिलाया उन्होंने बहुत तारीफ करी थी। तो आप ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करना और मुझे अपनी एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखनी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, या मेरे साथ कुछ भी गलतियां हुई हो, कुछ भी एरर्स हुए हो, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में अब बताना कि आपको इसमें क्या एरर्स लगे और क्या, ताकि मैं नए जो भी वीडियोस लेके आऊं उसमें कुछ सुधार करके लेके आऊं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिएगा कि कैसे लगी ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं कभी किसी नई दिन किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।